नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान इन दिनों ड्रग्स मामले के चलते जेल में। एनसीबी की टीम ने एक रेड के दौरान आर्यन खान को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली। आर्यन खान मामले पर कई स्टार्स शाहरुख खान के सपोर्ट में आ गए और कह रहे हैं कि आर्यन खान को शाहरुख खान का बेटा होने की सजा मिल रही। आर्यन खान मामले पर शाहरुख को जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री से सपोर्ट मिल रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि ये इंडस्ट्री एक बड़ा परिवार है जो सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। हालांकि कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कहा। अजय देवगन भी ऐसे ही स्टार्स की लिस्ट में आते हैं। अजय देवगन ने आर्यन खान मामले पर अब तक चुप्पी साध रखी, जिस कारण किंग खान के फैंस थोड़े हैरान। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि अजय देवगन और शाहरुख खान को एक एड फिल्म की शूटिंग साथ में करनी थी, जिसके लिए केवल अजय देवगन ही शूटिंग के लिए पहुंचे थे। लेकिन खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले केआरके ने अब बताया है कि अजय देवगन ने एड फिल्म मेकर्स को साफ कह दिया कि वो शाहरुख खान की निजी परेशानी के चलते दोबारा एड शूटिंग के लिए डेट नहीं दे पाएंगे। केआरके ने ट्वीट में लिखा, रिपोर्ट्स की माने तो अजय ने पान मसाला ब्रांड के लिए अपने हिस्से की शूटिंग कर दी, जबकि शाहरुख ने शूटिंग कैंसिल की। अजय ने निर्माता से साफ कह दिया कि उनका शाहरुख की निजी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं, वो शूट के लिए दोबारा डेट्स नहीं दे सकते, ये बॉलीवुड परिवार है। अब केआरके की बातों को लोग कितना सीरियसली लेते हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस खबर से शाहरुख के फैंस को अजय देवगन पर गुस्सा जरूर आ सकता है। यूं तो केआरके के इस दावे पर अजय देवगन और एड कंपनी के मेकर्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन बॉलीवुड से जुड़े एक करीबी सोर्स ने एक लीडिंग वेबसाइट को बताया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं, अजय देवगन ने ऐसा कुछ नहीं किया। सूत्रों का कहना है, इस तरह का कुछ भी नहीं, अजय ऐसा कभी नहीं कर सकते। अजय बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मामले की संवेदनशीलता को समझते हैं, और वो अपने दोनों बच्चों के लिए एक दयालु पिता, वो वास्तव में इस समय एक माता पिता के दर्द को समझते हैं। अजय अपनी मर्जी से शाहरुख के लिए डेट शेड्यूल के लिए सहमत हुए, जो अपनी पत्नी काजोल के साथ बहुत अच्छे बंधन साझा करते हैं। अपने एक पुराने इंटरव्यू में अजय ने कहा था कि शाहरुख के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है, क्योंकि वो काजोल का मिसकैरेज होने और अजय के पूरी तरह से परेशान होने पर मदद करने के लिए उनके घर पर आने वाले पहले व्यक्ति थे। बता दें कि कई लोगों का कहना है कि केआरके और अजय देवगन के बीच फिल्म शिवाय के बाद से ही विवाद छिड़ा हुआ है। यही वजह है कि केआरके अब शाहरुख के नाम पर अजय देवगन की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बताते चलें कि शाहरुख और अजय देवगन के बीच सब कुछ ठीक है और जैसे ही स्थिति ठीक होगी दोनों जल्द ही फिर से अपने एड की शूटिंग पूरी करेंगे। वैसे केआरके के इस तरह के दावों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।